वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर एचडीपी के फर्स्ट सेमेस्टर में वेटनरी एनाटॉमी में चैप्टर नंबर 6 मायोलॉजी यानी मसल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। कल के लेक्चर में हमने मसल्स की परिभाषा, मायोलॉजी की परिभाषा और जो आगे वाले पैर की शोल्डर, जो कंधा जो है, कंधे की जो मसल्स है उसके बारे में अध्ययन किया था। वो 15 मसल्स के बारे में अध्ययन किया था कि बोन जो है कहाँ पाई जाती है, उनका क्या काम है। आज हम इसको कंटिन्यूस करते हुए जो आगे वाले पैर की भुजा की पेशियां यानी आर्म्स की जो पेशियां, आर्म्स मैंने आपको जब पहले फोर आर्म पढ़ाई थी तो मैंने आपके फोर आर्म के यानी आगे वाले पैर के जो फोर लिंब है उसके चार पार्ट बताए थे मैंने कि शोल्डर, आर्म, फोर आर्म और मेनस। मेनस तो आज हम भुजा की पेशी यानी मसल्स ऑफ आर्म पढ़ेंगे और आर्म जो है वो ह्यूमरस बोन बनाती है। जो ह्यूमरस बोन है ये बोन अपने जो है, ये बोन जो है कंधे से लेके ये कोहनी तक जो बोन है ये ह्यूमरस बोन है। ये जो पार्ट बनाती है आगे वाले पैर का उसको आर्म बोलते हैं, भुजा बोलते हैं। तो इसकी कौन कौन से मसल्स हैं, आपको सिर्फ मसल्स के नाम याद करने हैं। आपको एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि इस मसल्स, ये मसल जो है किस पार्ट में पाई जाती है, तो आपको आर्म के जो मसल्स हैं उनके नाम आपको आने चाहिए। बाकी वो काम क्या करते हैं, उनके काम करीब करीब सेम काम है कि वो उसको पैर, आगे वाले पैर को जोड़ता है शरीर से, या फिर वो इंसर्शन का काम करता है, एक्सटेंशन का करता है या फ्लेक्शन का। यानी फ्लेक्शन का मतलब होता है उसको मोड़ना और एक्सटेंशन का मतलब है उसको एक्सटेंड करना यानी सीधा करना, जैसे वो है। तो उसमें जो पहला मसल है वो कोरेको ब्रेकिलिस मसल, कोरेको ब्रेकिलिस मसल। ये ह्यूमरस के मीडियल एस्पेक्ट पर है, मतलब ह्यूमरस बोन है उसका जो मीडियल एस्पेक्ट है, जो अंदर की साइड की सतह है, मीडियल सतह, वहाँ ये बोन छोटी और पतली मसल है। ये ह्यूमरस बोन के मीडियल सतह पे पाई जाने वाली छोटी व पतली मांसपेशी है। और इसका जो फंक्शन है, ये क्या काम करती है, ये पैर को जोड़ने के काम करती है। एक तो शरीर से पैर को जोड़ती है, दूसरा ये शोल्डर जॉइंट को फ्लेक्स करती है यानी शोल्डर जॉइंट जो उसको इकट्ठा करती है, फ्लेक्सिंग का मतलब इकट्ठा करती है। दूसरी मसल है ब्रेकिलिस मसल। ब्रेकिलिस मसल जो है ये मांसपेशी ह्यूमरस की मस्क्यूलो स्पाइरल ग्रूव पाया जाता है। मैंने आपको जो पढ़ाया था, एनाटॉमी पढ़ाई थी, तो बताया था कि मस्क्यूलो स्पाइरल ग्रूव जो है ह्यूमरस पे कहाँ पाया जाता है, उस ग्रूव में ये मांसपेशी पाई जाती है। ग्रूव मतलब एक प्रकार का खड्डा है, वो स्पाइरल टाइप का, मतलब गोल खड्डा है, स्पाइरल जैसे बोन घूमती है उसका खड्डा है, उसके अंदर ये मांसपेशी पाई जाती है। इसका काम है एल्बो, जो ये कोहनी जो है, कोहनी यानी पशु का एल्बो जॉइंट है, उसको फ्लेक्शन का काम करती है, उसको मतलब इकट्ठा करने का काम करती है। एक्सटेंशन का मतलब होता है उसको फैलाना और फ्लेक्शन का मतलब उसको सिकोड़ना या उसको इकट्ठा करना। तो ये इसका काम है। इसका जो ओरिजिन है वो ह्यूमरस के हेड के पीछे की तरफ से होता है। जो ह्यूमरस का हेड है उसके पीछे की तरफ इसका ओरिजिन होता है यानी इसका उद्गम होता है वहाँ से। और इंसर्शन यानी ये कहाँ ख़त्म होती है, ये मसल जो है रेडियस के ऊपरी सिरे के मीडियल एस्पेक्ट यानी जो रेडियस बोन है उसका जो ऊपरी सिरे है उसके मीडियल साइड में और अल्ना के ऊपरी सिरे पर, रेडियस अल्ना बोन जो है उसके ऊपर जो है इसका इंसर्शन यानी इसकी ये ख़त्म होती है वहाँ जाके। तीसरी मसल है बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल, बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल। तो बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल जो है ये एक लंबी पतली और स्पिंडल आकार की मांसपेशी, स्पिंडल जैसे होता है उसके आकार की मांसपेशी है, जो ह्यूमरस के अगले हिस्से में पाई जाती है यानी ह्यूमरस बोन जो है उसके एंटीरियर हिस्से में पाई जाती है, उसकी एंटीरियर जो सतह वहाँ पर ये मसल पाई जाती है। इसका काम है एल्बो जॉइंट को फ्लेक्स करना यानी उसको मोड़ना, एल्बो जॉइंट को मोड़ने का काम आता है। ये
इसका ओरिजिन जो है ट्यूबर स्केपुला ही, यानी स्केपुला की जो नीचे वाली सतह है, उसकी स्केपुला की जो नीचे वाली सतह जहाँ पे ग्लिनोइड केविटी है वहाँ उस पर ट्यूबर स्केपुला ही पाई जाती है, वहाँ ये ट्यूबर स्केपुला से इसका ओरिजिन होता है। और इंसर्शन जो है रेडियल ट्यूबरोसिटी और अल्ना के प्रोक्सिमल सिरे पे इसका अंत होता है। कहाँ पे होता है? रेडियल ट्यूबरोसिटी, रेडियल बोन की जो ट्यूबरोसिटी है वहाँ, और अल्ना के प्रोक्सिमल सिरे पर, ऊपर वाले सिरे पे इसका इंसर्शन, यानी ये वहाँ पे जाके एंड हो जाता है इसका। फिर ट्राइसेप्स ब्रेकियाई मसल, ट्राइसेप्स ब्रेकियाई मसल जो है ये स्केपुला और ह्यूमरस के द्वारा बनने वाले कोन में पाए जाते हैं, जहाँ पे स्केपुला और ह्यूमरस का जो कोण बनता है, दोनों जुड़ते हैं आपस में, जहाँ वो कोण बनता है और वहाँ पे ये मसल पाए जाते हैं। इसके तीन हिस्से होते हैं। इस मसल के कितने हिस्से होते हैं? इस मसल के तीन हिस्से हैं। एक तो है लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स, यानी ये जो ट्राइसेप्स ब्रेकियाई मसल है इसके तीन हिस्से हैं। एक तो इसका लॉन्ग हेड है, ट्राइसेप्स मसल का लॉन्ग हेड है, ये त्रिभुजाकार व ट्राइसेप्स का सबसे बड़ा हिस्सा है, ट्राइसेप्स मसल का सबसे बड़ा हिस्सा है, जो एल्बो जॉइंट को एक्सटेंड करने का काम करता है। ये क्या काम करता है? एल्बो जॉइंट जो है उसको एक्सटेंड करता है। और मैंने आपको पहले जब पढ़ाया था तब ये बताया था कि आपको ये सारे जॉइंट और बोन्स की बोल्डर, बोन्स की सरफेस, बोन्स की एक्सट्रीमिटी, ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, तब जाके आप, अब जैसे आप मसल्स पढ़ रहे हो तो मसल कहाँ पाई जाती है, अगर आपने ये पढ़ा होगा कि भाई एल्बो जॉइंट क्या है तो आपको पता लगेगा इसका जो काम है ना, इस मसल का काम है एल्बो जॉइंट को एक्सटेंड करने का काम है। इसका ओरिजिन जो स्केपुला के कोडल बोर्डर, यानी स्केपुला बोन के पीछे का जो बॉर्डर है वहाँ, और ह्यूमरस के कोडल बोर्डर के कुछ भाग से इसका ओरिजिन होता है, यानी जो स्केपुला बोन है उसका पीछे का बॉर्डर और ह्यूमरस बोन का पीछे का बॉर्डर, उससे ये वहाँ पर इसका ओरिजिन होता है, यानी ये वहाँ से शुरू होती है। और इसका अंत जो है इंसर्शन, ये कहाँ ख़त्म होती है? ये ओलिक्रोनन प्रोसेस ऑफ अल्ना, अल्ना बोन का ओलिक्रोनन प्रोसेस जो है वहाँ जाके ये बोन, ये मसल ख़त्म होती है। दूसरा पार्ट इस मसल का है लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स, ट्राइसेप्स ब्रेकियल इस मसल का दूसरा पार्ट है लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स, यानी लॉन्ग बोन की तरह ये भी लॉन्ग हेड, जो पहले अपने लॉन्ग हेड पड़ा था ब्राइसेप्स, आपकी जो मसल है ट्राइसेप्स ब्रेकियल इस मसल का लॉन्ग हेड पड़ा था पहले, अब हम ट्राइसेप्स का लेटरल हेड पढ़ते हैं, तो ये भी लॉन्ग हेड की तरह त्रिभुजाकार होता है, तथा इसके नीचे, यानी लॉन्ग हेड के नीचे पाई जाती है, यानी जो लॉन्ग हेड है ट्राइसेप्स ब्रेकियल इस मसल का, उसके नीचे लेटरल हेड ट्राइसेप्स का पाया जाता है। इसका जो फंक्शन है वो लॉन्ग हेड की तरह ही एल्बो जॉइंट को एक्सटेंड करने का काम करती है। और इसका ओरिजिन जो है, कहाँ से ये निकलती है, ये जो लेटरल हेड है ट्राइसेप्स ब्रेकियल इस मसल का, लेटरल हेड है, इसका ओरिजिन जो है ह्यूमरस की शाफ्ट यानी बॉडी, ह्यूमरस की जो बॉडी है उसके क्रेनियोलेटरल बॉर्डर से इसका ओरिजिन। क्रेनियो का मतलब होता है पीछे वाला, लेटरल जो साइड वाला, लेटरल का मतलब जो बॉडी से बाहर की साइड की जो सतह है वो लेटरल है, और पीछे की साइड है वो आगे की साइड जो है हेड की तरफ वो क्रेनियल है, यानी क्रेनियोलेटरल से इसका उद्गम होता है। और इसका इंसर्शन जो है वही ओलिक्रोनन प्रोसेस ऑफ अल्ना, अल्ना बोन का ओलिक्रोनन प्रोसेस जो है वहाँ पर ही जाके ख़त्म हो जाती है बोन। फिर आता है मीडियल हेड, इसका तीन हेड है, इस मसल के तीन हेड है, लॉन्ग हेड, लेटरल हेड और मीडियल हेड। तो मीडियल हेड जो ट्राइसेप्स का है वो क्या है, ये तीनों हेड में सबसे छोटी मसल है, और ये त्रिभुजाकार नहीं होती है, परंतु अन्य हिस्सों के लिए इसका काम भी एल्बो जॉइंट को एक्सटेंड करना होता है। इसका काम भी वही है जो दो हेड जो पहले वाले कर रहे थे मसल के, वही काम इस मसल का है। इसका ओरिजिन ह्यूमरस की जो बॉडी है उसके मीडियल सरफेस के ऊपरी 1/3 भाग से होता है इसका ओरिजिन, और इसका इंसर्शन जो है ओलिक्रोनन प्रोसेस ऑफ अल्ना, वहाँ जाके ये बोन जो है, ये मसल जो है ख़त्म होती है। पांचवा जो है टेंसर फेशिया एंटी ब्रेकियल इस मसल, यानी टेंसर फेशिया एंटी ब्रेकियाई मसल, ये पांचवी मसल है जो आर्म पे पाई जाती है, यानी ये मांसपेशी ट्राइसेप्स ब्रेकियाई के
लॉन्ग हेड, अभी हमने ट्राइसेप्स ब्रेकियल मसल के तीन भाग पढ़े थे, लॉन्ग हेड, लेटरल हेड और मिडिल हेड। तो ये मांसपेशी जो है ये ट्राइसेप्स ब्रेकियल के लॉन्ग हेड के पोस्टीरियर मिडिल भाग पर पाई जाती है ना, उसका जो पोस्टीरियर मिडिल भाग है वहाँ पाई जाती है ये मसल। ये इसका इसके स्थान है कि ये कहाँ पाई जाती है। इसका काम है फोर आर्म, जो फोर आर्म होती है, फोर आर्म का मतलब है रेडी सलना, रेडी सलना जहाँ बोन होती है वो फोर आर्म होती है। तो इसका काम है फोर आर्म की फेशिया को, फेशिया का मतलब है जो मसल्स के ऊपर एक प्रकार की लेयर होती है उसको फेशिया बोलते हैं, उस फेशिया को तनाव देने, उसको तान के रखती है, तनाव मतलब एक्सटेंड करके रखती है, और एल्बो जॉइंट जो उसको एक्सटेंड करती है, यानी एल्बो जॉइंट को एक्सटेंड करने का काम करती है। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, इसका ओरिजिन होता है स्केपुला के कोडल बॉर्डर से, यानी स्केपुला बोन के कोडल बॉर्डर जो है उसके ऊपरी हिस्से से, वह ट्राइसेप्स तथा लेटिसिमस डोरसाई को ढकने वाले फेशिया से, यानी ये जो मसल्स है ट्राइसेप्स और लेटिसिमस मसल उसके ऊपर जो फेशिया ढकता है उसको, फेशिया एक प्रकार की लेयर होती है मसल के ऊपर, उससे इसका ओरिजिन होता है। और इसका इंसर्शन जो वही ओलिक्रोनन प्रोसेस ऑफ अल्ना, अल्ना के ओलिक्रोनन प्रोसेस पे जाके ये जो मसल है ये ख़त्म हो जाती है। इसके बाद आती है एनकोनियस मसल। एनकोनियस मसल जो है ये एक छोटी मसल होती है जो ट्राइसेप्स के द्वारा ढकी रहती है, ट्राइसेप्स ब्रेकियल मसल जो है उसके द्वारा ये मसल ढकी रहती है, यानी ट्राइसेप्स मसल जो उसके नीचे ये पाई जाती है। इसका काम एल्बो को एक्सटेंड करने का काम है, ये भी वही काम करती है जो पहले वाली मसल्स करती थी, ये भी एल्बो को एक्सटेंड करती है, एल्बो जॉइंट को। और ये ह्यूमरस के कोडल सरफेस पर, यानी ह्यूमरस बोन का कोडल सरफेस जो पीछे की सरफेस है उसके निचले एक तिहाई हिस्से से, यानी उसका कोडल सरफेस का निचला हिस्सा जो है उसका एक तिहाई निचले वाला हिस्सा है वहाँ से इसका ओरिजिन होता है, और अल्ना के ओलिक्रोनन प्रोसेस पे ये जाके ख़त्म हो जाती है। काम इनके सेम है, ख़त्म भी एक ही जगह पे होते हैं। तो आपको इनका सिर्फ नाम याद करना है, प्लस ये कहाँ पाई जाती है और इसका ओरिजिन क्या है, इंसर्शन कहाँ होता है और इसका काम क्या है। अब इसके ये तो पाँच मसल्स, छः मसल्स थी आर्म की, यानी ह्यूमरस जो बोन है उसके ऊपर पाई जाने वाली मसल्स थी। अब आगे आप पढ़ेंगे अगर भुजा व कलाई की मांसपेशी, यानी मसल्स ऑफ फोर आर्म एंड मेनिस, जहाँ रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटा कार्पल और डिजिट्स वाला जो एरिया है उसकी मसल्स पढ़ेंगे। इन मसल्स को दो भागों में बांटते हैं, इस मसल को दो भागों में बांटते हैं, एक एक्सटेंड करती है और एक जो है फ्लेक्स करती है, यानी फ्लेक्स का मतलब मोड़ना, जो जॉइंट्स को मोड़ती है वो फ्लेक्स करती है और जो उसको सीधा करती है वो एक्सटेंड करती है। तो पहले एक्सटेंसर ग्रुप पढ़ते हैं जो उसको फैलाती है जोड़ को। इस समूह की मांसपेशियां मुख्य रूप से फोर आर्म के, जो फोर आर्म है रेडियस अल्ना बोन जिसको बनाती है उसके एंटीरियर लेटरल हिस्से पर पाई जाती है, यानी आगे का और बाहर की साइड का हिस्सा जो है वहाँ ये मसल्स पाई जाती है। इसमें कौन कौन सी मसल्स आती है, इसमें मसल्स आती है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियनिस मसल, ये मसल्स का नाम है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियनिस मसल। ये मांसपेशी रेडियस बोन जो है, रेडियस बोन की एंटीरियर सरफेस पर लंबवत यानी लंबाई में पाई जाती है, यूँ लंबी जहाँ बोन, जैसे ये रेडियस अल्ना बोन है ना ये, तो इसमें यूँ लंबाई में पाई जाएगी, ऐसे ऐसे चौड़ाई में नहीं, ये लंबी होती है, यूँ लंबाई में पाई जाती है, इसका मतलब ये लंबवत पाई जाती है। और फंक्शन इसका क्या है, इसका मुख्य काम है कार्पस को एक्सटेंड करने का, जो कार्पस बोन है या कार्पल जॉइंट है उसको एक्सटेंड करती है, उसको फैलाती है, यूँ इस तरह से फैलाती है। इसका ओरिजिन जो है ह्यूमरस, ह्यूमरस बोन के कोरोनोइड फोसा के पास गड्ढे नुमा आकृति व लेटरल कोंडाइल के क्रेस्ट से, यानी ये बोन के भाग हैं, जो ह्यूमरस बोन के भाग हैं ये, एक तो कोरोनोइड फोसा और एक है लेटरल कोंडाइल के क्रेस्ट जो है वहाँ ये बोन जो है इसका ओरिजिन होता है, वहाँ से ये बोन निकलती है। और ये मेटाकार्पल ट्यूब्रोसिटी जो है, मेटाकार्पल की ट्यूब्रोसिटी यानी प्रोक्सिमल एंड ऑफ मेटाकार्पल वहाँ जाके ये ख़त्म हो जाती है। फिर आता है एक्सटेंसर कार्पाई ओब्लिकस मसल, एक्सटेंसर कार्पाई ओब्लिकस मसल ये एक छोटी त्रिभुजाकार मांसपेशी है जो फोर आर्म के निचले हिस्से पर तिरछी पाई जाती है, यानी ओब्लिकली पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, ये फोर आर्म के निचले हिस्से पर, यानी जो रेडियस अल्ना बोन है
उसके नीचे वाले हिस्से पे ये त्रिभुजाकार मांसपेशी है और इसका काम क्या है, कार्पस को एक्सटेंड करना, वो सेम ही काम है इन मसल्स का सभी का, एक्सटेंड करती है ये कार्पस जॉइंट को। ओरिजिन जो इसका रेडियस के एंटीरियर लेटरल व अल्ना के लेटरल बॉर्डर के निचले भाग चौथा हिस्से पर इसका ओरिजिन होता है। इंसर्शन जो है मांसपेशी जो है ये टेंडन के रूप में ख़त्म होती है। टेंडन मैंने आप बताया था, मांसपेशी जब आगे जाके एक रस्सी के टाइप में कन्वर्ट हो जाती है उसको टेंडन बोलते हैं। तो ये मांसपेशी टेंडन के रूप में एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस के टेंडन का ओब्लिकली क्रॉस करते हुए मेटाकार्प के ऊपरी सिरे के पोस्टीरियर मीडियल भाग पर ख़त्म हो जाती है। फिर आता है मीडियल डिजिटल एक्सटेंसर। मीडियल डिजिटल एक्सटेंसर का मतलब है ये लंबी व पतली मांसपेशी है। अब ये जितनी मांसपेशी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये रेडियस अल्ना बोन जो है उसके ऊपर पाई जाती है, यानी फोर आर्म जो है वो रेडियस अल्ना बोन बढ़ाती है। तो ये लंबी व पतली मांसपेशी है जो एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस के पीछे की तरफ पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, ये एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस के पीछे की तरफ पाई जाती है। इसका काम क्या है, इसका काम है मीडियल डिजिट को एक्सटेंड करने का काम करती है। यानी ये क्या करती है, ये उंगलियां जो है यानी पशु के खुर है, खुर वाले दो डिजिट जो है, दो डिजिट होती है उसमें जो मीडियल साइड की डिजिट है, जो अंदर की साइड की डिजिट है उसको एक्सटेंड करने का काम करती है। इसका ओरिजिन ह्यूमरस के कोरोनोड फोसा के पास जो गड्ढे नुमा आकृति में एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस के साथ, यानी ह्यूमरस के कोरोनोड फोसा के पास गड्ढे नुमा आकृति से एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस मसल जो उसके साथ इसका ओरिजिन होता है। इंसर्शन जो है फोर आर्म के निचले हिस्से पर लंबे टेंडन का आकार लेते हुए मीडियल डिजिट की दूसरी व तीसरी फेलिंग्स पर, यानी ये जो कोरोनोड फोसा है ह्यूमरस का वहाँ से निकलती है मसल और ये फोर आर्म यानी रेडियस अल्ना का जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ से होती हुई टेंडन का आकार ले लेती है, रस्सी टाइप का आकार ले लेती है और मीडियल डिजिट की जो मीडियल डिजिट है यानी जो अंदर की साइड की डिजिट है उसके दूसरे और तीसरे फेलिंग्स पर जाके ये ख़त्म हो जाती है। फिर आता है हमारा कॉमन डिजिटल एक्सटेंसर। कॉमन डिजिटल एक्सटेंसर का मतलब है ये मांसपेशी भी मीडियल डिजिटल एक्सटेंसर के आकार की होती है। जो अभी हमने मीडियल डिजिटल एक्सटेंसर पढ़ा उसी के आकार की मसल होती है और इसके समानांतर पाई जाती है ना, उसके बराबर पैरेलल चलती है ये मसल। अब इसका काम भी फोर आर फोर लिम को एक्सटेंड करने का काम करती है। ये क्या काम करती है, वही काम करती है जो मीडियल डिजिटल एक्सटेंसर मसल करती है। ओरिजिन इसका ह्यूमरस के लेटरल एपिकोंडाइल से, जो ह्यूमरस का लेटरल एपिकोंडाइल है और अल्ना के लेटरल बॉर्डर यानी प्रोक्सिमल इंट्रोशियस स्पेस जो रेडियस अल्ना के बीच में दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसको इंट्रोशियस स्पेस बोलते हैं। तो ह्यूमरस के लेटरल एपिकोंडाइल यानी ह्यूमरस का जो नीचे वाला सिरा है उसमें दो कुंडाइल होते हैं और दो एपिकोंडाइल होते हैं, तो उसका ह्यूमरस का जो लेटरल एपिकोंडाइल है वहाँ से और अल्ना के लेटरल बॉर्डर के ऊपर इसका ओरिजिन होता है और इंसर्शन इसका थर्ड फेलेक्स यानी तीसरी जो फेलेक्स है उसके एक्सटेंसर प्रोसेस पर, यानी उसमें जो एक्सटेंसर प्रोसेस होता है वहाँ जाके ये मसल जो है ख़त्म हो जाती है। पाँचवीं मसल जो है वो है लेटरल डिजिटल एक्सटेंसर मसल। लेटरल डिजिटल एक्सटेंसर मसल यानी ये मीडियल व कॉमन डिजिटल एक्सटेंसर से मोटी मांसपेशी होती है। यानी अब हमने जो दो मांसपेशी पढ़ी थी, मीडियल डिजिटल एक्सटेंसर और कॉमन डिजिटल एक्सटेंसर, उनसे ये मोटी मांसपेशी होती है। वो दोनों मांसपेशियाँ छोटी होती है, ये उनसे बड़ी होती है और कॉमन डिजिटल एक्सटेंसर व अल्नरिस लेटरलिस मांसपेशी के बीच में पाई जाती है। यानी जो हमने दो मांसपेशी पहले वाली पढ़ी थी, मीडियल और कॉमन डिजिटल एक्सटेंसर, उनके बीच में ये मांसपेशी पाई जाती है। इसका काम भी लेटरल डिजिट को एक्सटेंड करना है, यानी लेटरल डिजिट जो है उसको ये एक्सटेंड करती है। वो मीडियल डिजिट को एक्सटेंड करती थी, ये लेटरल डिजिट को एक्सटेंड करती है। इसका ओरिजिन जो है रेडियस के ऊपरी सिरे के लेटरल भाग यानी रेडियस बोन के ऊपरी सिरे के लेटरल भाग व रेडियस तथा अल्ना के इंटरनल सरफेस से, लेटरल सरफेस से यानी रेडियस अल्ना के लेटरल सरफेस से इसका ओरिजिन होता है। और इंसर्शन जो है वो
लेटरल डिजिट के दूसरे तीसरे फेलिक्स पर, यानी जो बाहर वाली साइड जो डिजिट है, बाहर वाली साइड पैर की बाहर की साइड वाली डिजिट जो है उसके दूसरे और तीसरे फेलिक्स पर जाके ये मसल जो है ख़त्म हो जाती है। तो ये मसल्स थी जो कार्पल को या डिजिट्स को एक्सटेंड करती थी, यानी उनको फैलाती थी, जॉइंट को फैलाती थी, ये वो मसल्स थी। दूसरा ग्रुप जो इसका मसल्स का वो है जो फ्लेक्सर ग्रुप बोलते हैं उसको, यानी जो उसको इकट्ठा करती है, जॉइंट को इकट्ठा करती है यानी फ्लेक्स करती है उसको, वो फ्लेक्सर ग्रुप है। फ्लेक्सर ग्रुप की अधिकांश मांसपेशियां जो है पोस्टीरियो मीडियल एस्पेक्ट पर बह जाती है, यानी जो बोन है, रेडिस है, अल्ना है, या कार्पल मेटाकार्पल है, या डिजिट्स है, उनकी पोस्टीरियो मीडियल एस्पेक्ट यानी पीछे की साइड प्लस अंदर की साइड पोस्टीरियो मीडियल एस्पेक्ट पे ये जो मसल्स है हमेशा पाई जाती है। जबकि एक जो अल्नेरिस लेटरलिस और पोस्टीरियो लेटरल एस्पेक्ट पर पाई जाती है, यानी जो अल्नेरिस लेटरलिस मसल जो है इस ग्रुप की वो पोस्टीरियो लेटरल एस्पेक्ट पर पाई जाती है। बाकी जितनी भी मसल्स हैं इस ग्रुप की, फ्लेक्सर ग्रुप की, वो पोस्टीरियो मीडियल एस्पेक्ट पर पाई जाती है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको थोड़ा समझ के इसको याद करना है। अब इसमें कौन कौन सी मसल्स आती है, इसमें आती है प्रोनेटर टेरस मसल। प्रोनेटर टेरस मसल का है ये बहुत छोटी सी वे कम विकसित मांसपेशी है और जो एल्बो जॉइंट के मीडियल एस्पेक्ट पर पाई जाती है, जो एल्बो जॉइंट है उसके मीडियल एस्पेक्ट पर पाई जाती है ये मसल। इसका काम जो है वो एल्बो जॉइंट को फ्लेक्स करने का है, फ्लेक्शन ऑफ एल्बो जॉइंट, किंतु छोटी होने के कारण ये नगण्य सी होती है। ये छोटी मसल है इसलिए इसका काम जो है नगण्य सा है। हालांकि इसका काम तो एल्बो जॉइंट को फ्लेक्स करना है, लेकिन ये इतनी छोटी होती है कि इसका काम जो है वो जीरो होता है, जीरो नगण्य यानी जीरो है। इसका ओरिजिन जो है ह्यूमरस के मीडियल कोंडाइल से ये निकलती है मसल। ये कहाँ से निकलती है, ह्यूमरस के मीडियल कोंडाइल से। और इसका इंसर्शन यानी ये ख़त्म कहाँ होती है मसल, ये रेडियस की मीडियल सरफेस के ऊपरी एक तिहाई भाग पर, जो रेडियस बोन है उसका जो मीडियल सरफेस है उसके ऊपर के एक तिहाई भाग पर आके ये ख़त्म हो जाती है वहाँ पे। ये इसका इंसर्शन जो है रेडियस की मीडियल सरफेस के ऊपरी एक तिहाई भाग पर होता है इंसर्शन, यानी वहाँ जाके ख़त्म हो जाती है। उसके बाद में है फ्लेक्सर कार्पा रेडियलिस मसल दो नंबर। तो ये एक पतली किंतु लंबी मांसपेशी है जो रेडियस के, रेडियस बोन के मीडियल एस्पेक्ट पर पाई जाती है, मीडियल एस्पेक्ट पर पाई जाती है। फंक्शन इसका वही है कार्पस को फ्लेक्स और एल्बो को एक्सटेंड करने का काम करती है। ये क्या करती है, कार्पस जॉइंट को तो ये फ्लेक्स करती है और एल्बो जॉइंट को ये एक्सटेंड करती है। ह्यूमरस के मीडियल कोंडाइल से इसका ओरिजन होता है और इंसर्शन जो है वो लार्ज मेटाकार्पल की ऊपरी एक्सट्रीमिटी के पोस्टीरियर एस्पेक्ट के मॉड्यूल पर, नोड्यूल पर, जो नोड्यूल होता है पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे, लार्ज मेटाकार्पल की ऊपरी एक्सट्रीमिटी के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर जो नोड्यूल होता है उस पे जाके ये मसल ख़त्म हो जाती है। फिर आता है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस मसल। ये भी एक पतली और चपटी मसल है, फोर आर्म के पोस्टीरियो मीडियल एस्पेक्ट पर पाई जाती है। यानी इसकी ये कहाँ पाई जाती है, ये फोर आर्म जो है रेडियस अल्ना बोन जो है उसके पोस्टीरियो मीडियल एस्पेक्ट पर पाई जाती है। फंक्शन इसका वही है, कार्पस को फ्लेक्स करती है, एल्बो को एक्सटेंड करती है। ओरिजिन इसका ह्यूमरस के मीडियल कोंडाइल व अल्ना के ओलिग्रन प्रोसेस के मीडियल एस्पेक्ट से इसका ओरिजिन होता है, निकलती है वहाँ से ये मसल। और एसेसरी कार्पल बोन जो होती है, एसेसरी कार्पल बोन, आपने कार्पल बोन मैंने पढ़ाया था कि दो रो में पाए जाते हैं, तो जो असेसरी कार्पल बोन जो लेटर साइड में पाई जाती है उस पे जाके ये मसल ख़त्म हो जाती है। उसके बाद आती है अल्नेरिस लेटरलिस मसल। ये मसल्स जो है आप को मैं कुछ कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ, बाकी आपको किताब में देखोगे आप इसको, एक साइड में आपका डायग्राम दिया हुआ है, एक साइड में आपका इनका वर्णन है, तो आपको भली प्रकार से आप समझ जाओगे कि इसका ये कहाँ पाई जाती है, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, यानी कहाँ से निकलती है और कहाँ जाके ख़त्म होती है। इंसर्शन का मतलब होता है वो कहाँ जाके इंसर्ट ख़त्म हो जाती है। फिर इसका फंक्शन क्या है, ये चार चीज़ें याद करनी है आपको। तो अल्नेरिस लेटरलिस मसल जो है ये फ्लेशी मांसपेशी है, यानी ये फ्लेशी का मतलब होता है मांस, मसल,
मांसल मांसपेशी है, बड़ी मांसपेशी है जो रेडियस के पीछे वेलना के लेटरल एस्पेक्ट पर पाई जाती है, जो रेडियस बोन है उसके तो पीछे के भाग पे और अल्ना के लेटरल भाग पे ये पाई जाती है। इसका काम जो है कार्पस को फ्लेक्स करना और एल्बो को एक्सटेंड करना, सेम काम है सभी का। इसका ओरिजिन जो है ह्यूमरस के लेटरल कोंडाई से होता है, ह्यूमरस बोन के लेटरल कोंडाई से इसका ओरिजिन होता है। और इंसर्शन इसका यानी ख़त्म कहाँ होती है, ये एसेसरी कार्पल, जो एसेसरी कार्पल बोन है वहाँ, और लार्ज मेटा कार्पल के ऊपरी सिरे की लेटरल सरफेस पर जाके ये ख़त्म हो जाती है। फिर आता है सुपरफिशियल डिजिटल फ्लेक्सर मसल। सुपरफिशियल डिजिटल फ्लेक्सर मसल ये मांसपेशी सामान्यतः फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस से ढकी रहती है, जो मैंने आपको पहले मसल पढ़ाई थी फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस, उससे ढकी हुई रहती है। इसका काम फोरलिम को फ्लेक्स करना है, फोरलिम को मोड़ना है। और ओरिजिन इसका ह्यूमरस के मीडियल कोंडाइल से ये निकलती है और सेकंड फेलेंक्स जो है डिजिट का वहाँ जाके ये ख़त्म हो जाती है, इंसर्शन। डीप डिजिटल फ्लेक्सर मसल, अब ये मुख्य रूप से रेडियस अल्ना के, रेडियस और अल्ना के पोस्टीरियो मीडियल एस्पेक्ट पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, रेडियस अल्ना के पोस्टीरियो मीडियल एस्पेक्ट पर ये मसल पाई जाती है। तथा सुपरफिशियल डिजिटल फ्लेक्सर जो भी आपने पढ़ा था ऊपर वाला, उस मसल से ढकी रहती है, यानी ऊपर उसके सुपरफिशियल डिजिटल फ्लेक्सर मसल उसके ऊपर रहती है तो उसके ये नीचे ढकी रहती है। इसका काम फोरलिम के फ्लेक्शन का काम करती है, फोरलिम जो है ये फोरलिम है इसको ये मोड़ने का काम करती है। ओरिजिन इसका तीन गुच्छों के रूप में होता है, इसका ओरिजिन तीन गुच्छों के रूप में होता है, यानी तीन प्रकार के गुच्छे बनते हैं जहाँ से ये ओरिजिन होती है। एक तो होता है ओलिक्रोनन प्रोसेस से, ओलिक्रोनन प्रोसेस जो अल्ना बोन का प्रोसेस है, ओलिक्रोनन प्रोसेस बोलते हैं उसको, और ह्यूमरस के मीडियल कोंडाइल से, ह्यूमरस का जो मीडियल कोंडाइल है वहाँ से, और रेडियस की पोस्टीरियर सरफेस पर, रेडियस बोन की पोस्टीरियर सरफेस पर प्रोक्सिमल इंट्रोशियस स्पेस के पास, प्रोक्सिमल इंट्रोशियस स्पेस यानी रेडियस अल्ना के बीच में दो इंट्रोशियस स्पेस, एक प्रोक्सिमल है एक डिस्टल है, तो ये प्रोक्सिमल इंट्रोशियस स्पेस के पास से इनका ये तीन गुच्छों के रूप में इसका ओरिजिन होता है। और ये इंसर्शन यानी इसका अंत कहाँ होता है, ये कहाँ ख़त्म होती है, ये थर्ड फ्लेक्स पर जाके ख़त्म हो जाती है। लास्ट मसल जो है फोर आर्म की, जो आगे वाले पैर की फोर आर्म है उसकी जो लास्ट वाली मसल है वो है इंटरोशियस मीडियल मसल, इंटरोशियस मीडियस मसल, क्या नाम है उसका, इंटरओशियस मीडियस मसल। यानी वास्तव में छोटे जो पशु है उनमें सस्पेंसरी लिगामेंट जो है मसल रूप में इंटरओशियस मीडियस मांसपेशी रूप में जाना जाता है, यानी सस्पेंसरी लिगामेंट जो है छोटे पशुओं में वो इंटरओशियस मीडियस मांसपेशी रूप में जाना जाता है, यानी उसका नाम जो है उसको जो सस्पेंसरी लिगामेंट होता है छोटे पशुओं में उसको इंटरओशियस मीडियस मसल के रूप में जाना जाता है। ये मांसपेशी जो है गाय में और घोड़े में अनुपस्थित होती है, गाय घोड़े में नहीं होती, ये कुत्तों में और उनमें भेड़ बकरियों में पाई जाती है। इसका काम है फोरलिम के फ्लेक्शन का काम करती है, जो फोरलिम है ये जो कोणी से नीचे का हिस्सा उसको फ्लेक्स यानी उसको इकट्ठा करने का काम करती है, किंतु बहुत छोटी होने के कारण जो है इसका काम नगण्य सा है, ये भी बहुत छोटी मसल है इसलिए इसका काम भी नहीं के बराबर है। ओरिजिन इसका स्मॉल मेटा कार्पल के ऊपरी हिस्से से, सिरे से इसका ओरिजिन होता है। और इसका इंसर्शन जो है फेटलॉक जॉइंट की फेशिया पर होता है, फेटलॉक जॉइंट के ऊपर जो फेशिया होता है उस पे जाके इसका अंत हो जाता है। तो ये मसल्स हमने आज पढ़ी, मतलब आर्म, फोर आर्म और मेनस की जो पार्ट होता है आगे वाले पैर का उसकी पढ़ी। कल हम पीछे वाले पैर की मांसपेशियां पढ़ेंगे। धन्यवाद।